हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये एक और वीडियो है आज जो मैं बना रहा हूं। आज फिलहाल ये वीडियो बनने नहीं वाला था लेकिन अब मूड कर रहा है तो बना देते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके लीक्स वाले वीडियोस नहीं आ रहे इतने दिनों से, तो आज ये वीडियो लीक पे ही बना देते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, जो लॉन्चेस हैं, अपकमिंग लॉन्चेस हैं, कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। तो सबसे पहले बताते हैं कि कौन कौन से लॉन्चेस अभी होने वाले हैं। एक जो मेजर लॉन्च होने वाला है मोटोरोला की तरफ से, या फिर आप कह लीजिए कि लिनोवो की तरफ से ये लॉन्च होने वाला है, ये लॉन्च होगा 19 तारीख को। और 19 तारीख को मोटो E3 पावर जो है वो लॉन्च होने वाला है और ये पहला फ़ोन होगा मोटोरोला का ई सीरीज में जो मीडियाटेक के चिपसेट के साथ आएगा। और इस फ़ोन के अंदर आपको 5 इंच का HD डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर आपको 2 GB की रैम मिलेगी, 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, 8 और 5 MP के रियर और फ्रंट कैमरा मिलेंगे। तो ओवरऑल इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो ये फ़ोन किससे कम्पीट करने वाला है, सोचिए ये फ़ोन कम्पीट करेगा Redmi 3S से, यानी कि इसकी प्राइस होगी 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में मोटो E3 पावर इंडिया में आएगा मीडियाटेक के 6735P चिपसेट के साथ, जो कि सेम कूलपैड मेगा में भी आपको मिलता है, तो वो वाला चिपसेट है। और मीडियाटेक का फ़ोन है इस बार ये जो मोटो E3 पावर है, और ये इंडिया में आएगा और देखते हैं कि क्या होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे अच्छी बात है कि इस फ़ोन के अंदर बैटरी रिमूवेबल होगी, जबकि पिछले कुछ वर्जन में हमने देखा है कुछ वर्जन में बैटरी नहीं होती थी मोटो E3 की, मोटो E सीरीज़ के फ़ोन्स की, तो ये एक अच्छी बात है। अब एक और लॉन्च के बारे में बात करते हैं जो कि अगेन लिनोवो की तरफ से है और इस फ़ोन का नाम है लिनोवो Z2 प्लस। ये है ZUK Z2 इंडिया में आ रहा है, ZUK Z2 प्रो नहीं आएगा, लिनोवो ZUK Z2 इंडिया में आ रहा है और कुछ चेंजेस के साथ ये फ़ोन आने वाला है। और चीज़ें आपको बता दें तो इस फ़ोन के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन जो है स्नैपड्रैगन 820 मिलेगा इसके अंदर, और ये फ्लैगशिप फ़ोन होगा और इस फ़ोन की प्राइस तकरीबन 24 से 25,000 रुपये के आसपास आने वाली है। हो सकता है इसकी प्राइस अगर बहुत एग्रेसिव रखी लिनोवो ने तो ये 23,999 में आ जाएगा, अदरवाइज 24,999 में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा। तकरीबन 64 GB स्टोरेज के साथ आई गेस, और साथ ही साथ 4 GB की रैम इस फ़ोन में आपको मिलेगी। लेकिन एक और वेरिएंट है इस फ़ोन का जो कि 32 GB स्टोरेज और 3 GB रैम वाला है, तो जो प्राइस मैंने बताई है ये 32 GB स्टोरेज और 3 GB रैम वाले वर्जन की है, तो 3 GB की रैम मिलेगी आपको इस फ़ोन में। और इस फ़ोन के अंदर आपको बिल्कुल स्टॉक वाला UI मिलेगा। अब लिनोवो के ZUK Z1 में तो पहले साइनजन आया है, तो Z2 में साइनजन नहीं आएगा क्योंकि साइनजन के साथ एसोसिएशन अब ख़त्म कर चुका है लिनोवो, और अब इस फ़ोन के अंदर आपको अपना जो है स्टॉक एंड्रॉयड UI मिलेगा और ये मार्शमेलो के साथ प्रीलोडेड आएगा, नॉगेट इसमें नहीं आएगा इन केस अगर आप उसका एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो। अब दो और लॉन्चेस हैं जो कि होने वाले हैं, एक तो सोनी की तरफ से होने वाला है। तो फिलहाल ये कह सकता हूँ कि मैं कुछ लॉन्चेस जो हैं वो प्लान है। अब इनमें से एक लॉन्च जो मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली होने ही वाला है वो है सोनी की तरफ से, सोनी की एक्सपीरिया सीरीज जो है, नई सीरीज के जो फोन्स हैं वो एक्सपीरिया X वगैरह और बाकी सब, वो सब लॉन्च होने वाले हैं और वो सब लॉन्च होंगे आई थिंक 29 सितंबर को सोनी के कुछ फ़ोन्स जो हैं लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। और जो हुआवे का ऑनर 8 है, ऑनर 8 इज़ नॉट गोइंग टू लॉन्च फोन, बट आई थिंक यू विल गेट टू सी सम अपडेट्स अबाउट दैट। ऑनर 8 इज़ द नेक्स्ट फोन विच इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम हुआवे, एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी डेट्स फॉर दैट, बट वी विल लेट यू नो, बता देंगे आपको कि उसकी क्या डेट रहती है। तो ये सारे लॉन्चेस हैं अपकमिंग जो होने वाले हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि मेरा जो व्लॉगिंग कैमरा है, फिलहाल जो फ्रंट कैमरा से मैं हमेशा स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, ये डिवाइस जो है चेंज हो गया है, तो मैं एक और डिवाइस ट्राई कर रहा हूँ। और इस बार ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये बन रहा है HTC 10 से, और HTC 10 के फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रहा है। तो आप लोग बताइए कि किस तरह की क्वालिटी इस वीडियो में आपको देखने को मिल रही है, क्या वो क्वालिटी अच्छी है बुरी है, और ऑडियो क्लैरिटी किस तरह की है। हालांकि नॉइज़ कैंसिलेशन तो मैं कर ही दूंगा बाद में। तो ठीक है, फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।